निराकार रूप से सपना देखते हैं
और आपका साकार रूप और दूसरों का साकार रूप और नहाने धोने की क्रिया, कोई चाय पी रहा है, कोई बाल बनवा रहा है, कोई गंगा जी में नहा रहा है, कोई हवाई जहाज करोड़ के तमाशा देख रहा है, कोई सूर्य चंद्रमा आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं, हवा चल रही है, गंगा जी बह रही हैं, धरती सबको अपने पीठ पर लिए हुए है, ये सब क्या है? ये सब आपकी स्वप्नावस्था का विलास है। आपके शरीर सहित सब का सब स्वप्नावस्था का विलास है। तो जागृत अवस्था को समझाने के लिए ये स्वप्नावस्था का दृष्टांत दिया। अब आप देखो तो कि आप एक हो जो यहाँ प्रेम कुटीर में बैठ करके सत्संग कर रहे हो, और आप एक वो हो जो समूची जागृत अवस्था के दृष्टा हो, जागृत देश, जागृत काल, जागृत वस्तु, ये धरती, ये समुद्र का जल, ये सूर्य की किरणें, ये बहती हुई हवा और ये समूचा आसमान और ये बड़ा भारी बम्बई शहर, और इसके साथ ये जो मालूम पड़ता है कि अमेरिका एक है और यूरोप एक है और अफ्रीका एक है और एशिया एक है, ऐसा जो मालूम पड़ता है, तो सब ये सब आपकी जागृत अवस्था का विलास है। ये चौकी पर बैठा हुआ बत्ता भी आपकी जागृत अवस्था का विलास है, इसका प्रवचन भी आपकी जागृत अवस्था का विलास है, और ये जो आपका श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं, ये सब आपकी जागृत अवस्था का विलास है। आप जागृत अवस्था के देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, जाति सबके दृष्टा हैं। जैसे स्वप्नावस्था में वैसे जागृत अवस्था में, तो यहाँ से दो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आप एक शरीर की जागृत अवस्था को, स्वप्न अवस्था को, सुषुप्ति अवस्था को अपनी माने तो आप स्वयं पदार्थ जीव होंगे, और यदि आप इतनी बड़ी जा रहा है समूची जागृत अवस्था, इसमें जो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, वो लोग जितना कुछ मालूम पड़ता है, श्रोता, वक्ता, बम्बई, कलकत्ता, जो मालूम पड़ता है, वो सब आपकी स्वप्नावस्था में है, और आप एक व्यक्ति के रूप में जो मालूम पड़ते हैं, ये भी आपकी स्वप्नावस्था का विलास है। ये एक जीववाद की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। और एक ही शरीर वाले आप हैं, ये अनेक जीववाद की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। अब देखो, अब आगे इस पर विचार करते हैं। तो आता शास्त्र में जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का विवेचन है, वो ये छोटी का नहीं है, जो एक शरीर में होती है उसका नहीं है, वो तो समूची जागृत अवस्था का मैं दृष्टा हूँ, इसी दृष्टि से है। आप लोगों ने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा होगा, उसमें बताया कि ये जागृत तो स्थान है, माने जागृत अवस्था में जितना देश, जितना काल, जितना कार्य कारण बाधता है, बाहर, भीतर, दाहिने, बाएं, पहले, बाद में, भूत, भविष्य, वर्तमान, बाह्य देश, अंतरदेश, अंतराल देश, और कार्य कारण और कारण जो कुछ भासता है, ये सब जागृत अवस्था है, और इस ये आपके रहने की जगह है, ये आप में रह रही है, आप इसमें रह रहे हैं, जागृत स्थाना। बोले बाबा जरा हमारा नाप तोल बताओ तो कितने बड़े हैं हम, तो सप्तांग, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और द्योलोक,
गौर मूर्धा चक्षुषी सूर्या, द्यूलोक आपका सिर है, सूर्य आपकी आंख है, और ये समुद्र जल जो है वो आपके मूत्र स्थान है, और ये समूची पृथ्वी आप कितने विश्वात्मा है, आप विश्वात्मा माने संपूर्ण विश्व, विश्व रूप जो विषय है उस विश्वावच्छिन्न जो चैतन्य स्थित है, अभिमानी नहीं विषयी ज्ञाता, संपूर्ण विश्वावच्छिन्न जो चैतन्य है उसको बोलते हैं विश्वात्मा वैश्वानर, संपूर्ण जागृत अवस्था को देखने वाला सप्तांग आप है। और एकोन विंशति मुखा, पांच कर्मेंद्रिय व्यक्ति नहीं समझती, पांच ज्ञानेन्द्रिय व्यक्ति नहीं समझती, पंच प्राण व्यक्ति नहीं समझती, और नारायण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार ये उन ये भी व्यक्ति नहीं समझती। आप एक ऐसे जीवात्मा हैं जो संपूर्ण जागृत अवस्था को विषय करते हैं, साथ आपका अंग है शरीर आपका व्यापारी, हाथ पांव आंख पेट सिर आपका बड़ा भारी, और उस शरीर में स्थित चैतन्य आप हैं, सात अंग वाले और 19 मुख वाले, और उसके बाद स्वप्नावस्था की दृष्टा आप हैं, उसमें भी सात अंग जैसा जागृत में वैसा स्वप्न में, स्थूल अंग है जागृत में और सूक्ष्म अंग है स्वप्न में नारायण, और वैसे ही 19 मुख स्थूल है, स्थूलता स्थूल शरीर संबद्ध है, स्थूल द्रव्य संबद्ध है जागृत में और सूक्ष्म द्रव्य संबद्ध है स्वप्न में। असल में स्थूल और सूक्ष्म का भेद नहीं है, बहिर् विषयाय प्रज्ञा अवभासते। शंकराचार्य ने कहा कि एक प्रज्ञा जो है वही विषय वही बहिर् विषया और अंतर विषया, जैसे स्वप्न में भी बाहर और भीतर मालूम पड़ता है, ऐसी अपने स्वरूप में ये बाहर और भीतर मालूम पड़ता है, और जब ये दोनों भान नहीं होते सुक्ति होती है अभ्यास अज्ञान होता है, तो उस समय भी आनंद बोध के तो मुखा वहाँ सात अंग नहीं है, वहाँ 19 मुख नहीं है, वहाँ आप एक चैतन्य है उसको प्राज्ञ बोलते हैं। तो विश्वात्मा विराट चैतन्य से एक है, तैजस हिरण गर्भ चैतन्य से एक है, और प्राज्ञ ईश्वर चैतन्य से एक है, मान ईश्वर चैतन्य रूप है। ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति का व्यक्ति समष्टि रूप विभाग है, ये है विषय और आप है विषयी, ये है सब प्रमेय और आप है प्रमाता, और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जिसको बोलते हैं, समष्टि है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य आप है। अब इसमें दूसरा विवेक प्रारंभ करना, एक हुआ जो मालूम पड़ता है तो विषय, और जिसको मालूम पड़ता है तो विषयी, जो मालूम पड़ता है तो इदम या, और जिसको मालूम पड़ता है तो अहम मैं, मालूम जिसको पड़ता है सब सतत। अब आगे का विवेक इसके बाद प्रारंभ होता है, जो यह है तो अनित्य है वो बदलता रहता है, और जो अहम है तो नित्य है एक रहता है। जिस मैंने जागृत अवस्था देखी, स्वप्न अवस्था देखी, सुषुप्ति अवस्था देखी, हमने अमेरिका देखा, अफ्रीका देखा, एशिया देखा, यूरोप देखा, देश बदलते हैं, भूत देखा, भविष्य देखा, वर्तमान देखा, देखते हैं देखेंगे,
तो देखने वाला जो है वो अपरिवर्तनशील है, एक है, और दिखने वाले जो है वो परिवर्तनशील है और अनेक है। बदलने वाली चीज का न बदलने वाली चीज के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, जड़ का चेतन से कोई संबंध नहीं हो सकता, अव्यक्त का अधिष्ठान से कोई संबंध नहीं हो सकता, आधे का आधार से कोई संबंध नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रकाशक और अधिष्ठान दृष्टा जो चैतन्य है वो एक है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है, और दृश्य जो है जो मालूम पड़ता है तो बोले वो परिवर्तनशील है, अनेक है, जड़ है, सापेक्ष है, विकारी है, नारायण। तो तुम चैतन्य हो, तुम्हारा मैं चैतन्य है, और तुम्हारे सिवाय दूसरा जो कुछ मालूम पड़ता है वो विकारी है, दृश्य है, जड़ है, अनित्य है, हैं? और तुम सबसे दृष्टा, सबसे अलग, सबसे असंग, सबकी अधिष्ठान, सबके दृष्टा हो। अब तीसरी बात लो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाएं जो हैं, वो जिस चैतन्य में, जिस चैतन्य से भास रही हैं, उस चैतन्य में दृश्य होने के कारण मिथ्या है, भिकारी होने के कारण मिथ्या है, जड़ होने के कारण मिथ्या है, अधिष्ठान ज्ञान से बाधित होने के कारण मिथ्या है, स्वाधिष्ठान निष्ठा चंता भाव के प्रतियोगी होने के कारण मिथ्या है। इसलिए सत्य हो तो आत्मा सत्य है, तुम सत्य हो, मैं सत्य है, नारायण है, और तुम्हारे सिवाय तुमको जो कुछ भास रहा है वो सब का सब मिथ्या है, वो सब का सब माया है, क्योंकि स्वाधिष्ठान निश्चित अत्यंता भाव का प्रतियोगी होने के कारण। इसको ऐसे समझो कि ये चीज आपको दिख रही है, क्या बोले सांप, सांप किसमें दिख रहा है, का रज्जू में, तो सर्प का अधिष्ठान कौन हुआ, का रज्जू, उस रज्जू में सर्प का अत्यंता भाव है, तो जिस अधिकरण में, जिस स्थान में, जिस वस्तु का अत्यंता भाव भी रहता हो और उसी स्थान में वो वस्तु भी मालूम पड़े तो वो वस्तु मिथ्या होती है, क्योंकि एक ही स्थान में एक ही वस्तु का होना और न होना दोनों नहीं हो सकता। आप देखो आकाश में आपको नीलिमा भासती है, तो नीलिमा का अधिष्ठान कौन है, आकाश, नीलिमा किसमें भास रही है, तो आकाश में, इसलिए नीलिमा रूप जो प्रतीयमान पदार्थ है इसका अधिष्ठान हुआ आकाश। आकाश में नीलिमा का अत्यंता भाव है कि नहीं है, तो आकाश में नीलिमा का अत्यंता भाव है, क्योंकि आकाश निरूप है, निराकार है, नीरंग है, उसके साथ कोई रंग रूप कोई मेल खाता ही नहीं, तो ये नीलिमा ऐसी आकाश में दिख रही है जिसमें नीलिमा का अत्यंता भाव है। तो जिस चीज में नीलिमा का अत्यंता भाव है उसी में यदि नीलिमा दिखे तो क्या हुई, बोले मिथ्या हुई। इसी प्रकार तन मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र, अद्वितीय स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में ये जो दृश्य प्रपंच भास रहा है ये कहाँ भास रहा है, स्वाधिष्ठान निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी के रूप में ये बात रहा है। तो देखो इस प्रपंच का
इस प्रपंच का अत्यंता भाव जिस अद्वितीय ब्रह्म में है, इस प्रपंच का जो अधिष्ठान है, निराकार निर्विकार एक रस निर्धारक प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म तत्व, उस अधिष्ठान में इस प्रपंच का अत्यंता भाव है। और उसी ब्रह्म में जिसमें इस प्रपंच का अत्यंता भाव है, उसी में ये प्रपंच भास रहा है। इसलिए ये प्रपंच जो है ये बिना हुए आकाश की नीलिमा के समान भास रहा है। तो इसमें नरक क्या, इसमें स्वर्ग क्या, इसमें पुनर्जन्म क्या है, और इसमें स्त्री क्या, पुरुष क्या, इसमें अंतःकरण क्या, इंद्रिय क्या, विषय क्या, इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये मिथ्या प्रपंच अपने अधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व में भास रहा है। प्रपंच मिथ्या और आत्मदेव सत्य, इसका अभिप्राय ये हुआ कि श्रुति ने बताया कि अरे बाबा, ये जो मिथ्या है इसको वस्तु मत समझो। मिथ्या वस्तु का स्वभाव क्या होता है, वो जिस अधिष्ठान में भासती है उससे जुदा नहीं होती। जैसे भासता हुआ सर्प रज्जु से जुदा नहीं है, जब जस्मिन अधिष्ठाने अध्यक्षता तब तस्माद अधिष्ठानात किंचिदपि पृथक न भवति। जो वस्तु जिस अधिष्ठान में अध्यक्ष होती है, वो वस्तु उस अधिष्ठान से किंचित भी पृथक नहीं होती है। तो रज्जु से सर्प पृथक नहीं है, सीप से चांदी पृथक नहीं है, ब्रह्म से प्रपंच पृथक नहीं है, आत्मा से स्वप्न पृथक नहीं है। का इस प्रकार एक परब्रह्म परमात्मा में, परब्रह्म परमात्मा के सिवाय ये प्रपंच दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब देखो चार भूमिका बनाई। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो तीन अवस्था हैं, चाहे वो व्यष्टि में हो चाहे समष्टि में, ये तीन अवस्था, और कर्ता करण कर्म रूप जो कर्म का उपकरण है, वो चाहे किसी भी अवस्था में होवे, जागृत में होवे चाहे स्वप्न में होवे, सुषुप्ति में तो होता ही नहीं है, और आकार उकार मकार चाहे किसी भी अवस्था में होवे, सत्व रज तम चाहे किसी भी अवस्था में होवे, ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे किसी भी अवस्था में होवे, दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी चाहे कहीं भी बने, एक अखंड अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा में इनका पृथक अस्तित्व अलग अलग न स्वतंत्र न पारतंत्र न वा स्वतंत्र अथवा परतंत्र, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान जिस अकाल अधिष्ठान में कल्पित हैं, काल के अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही, काल का जो अधिष्ठान है वही काल के अत्यंता भाव का भी अधिष्ठान है। इसलिए ब्रह्म में आज कल परसों पहले पीछे ये काल नहीं है, अपूर्वम अनपरम, उसमें पहले और पीछे नहीं होता। तो बोले जिस अधिष्ठान में ये देश लंबाई चौड़ाई ऊपर नीचे कल्पित है, उसी में इसका अत्यंता भाव भी है। इसलिए अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही भासमान ये जो लंबाई चौड़ाई है ये मिथ्या है, अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही भासमान जो भूत भविष्य वर्तमान है तो मिथ्या है, और अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही भासमान जो कार्य कारण करण कलाप है करण ग्राम है तो मिथ्या है। मिथ्या है अर्थात अधिष्ठान से जुदा नहीं है, अर्थात इसका भी अर्थात हुआ, अर्थात का भी अर्थात हुआ कि अज्ञान दशा में जो चीजें हमको अलग अलग भासती हैं,
सत्य भासती हैं, है ना, अनित्य भासती हैं, नित्य भासती हैं, ये ज्ञान दशा में सच्ची होके भासती हैं और ज्ञान दशा में मिथ्या होके भासती हैं और परमार्थ में परमार्थ ही है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, केवल अखंड अद्वय पर ब्रह्म तत्व ही है। तो वेदांत ये बताता है कि ये जो तुम्हारा मैं है, मैं है ना, जिसके होने पर यह भासता है। आप कोई कल्पना कर सकते हैं कि आपका मैं न हो और यह भासे? किसको भासेगा? बोले हमको नहीं भासेगा, हमारे भाई को भासेगा। करे तुम्हारी भाई भासेंगे कि नहीं तुम्हारे मैं, तुम्हारा मैं न होने पर? तुम्हारा मैं न होने पर न यह भासेगा न वह भासेगा। ईश्वर और जगत और दूसरे जीव तीनों किसके होने पर भासते हैं? अगर मैं हो गए तो जगत भासे, और जगत भासे तो जगत का बनाने वाला भासे, और जगत भासे तो जगत में भोक्ता जीव भासे, और मैं ही ना हो तो क्या भासेगा? इसका अभिप्राय ये हुआ कि जगत भेद, जीव भेद, ईश्वर भेद, सब की प्रतीति आत्मा के आधार पर आत्मरूप अधिष्ठान में, आत्मरूप अधिष्ठान में ही सबकी प्रतीति हो रही है, और यही स्वयं प्रकाश सबका प्रकाशक है। कि अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यही अखंड, यही अद्वितीय, यही परिपूर्ण। तो चार विभाग करके ये बात समझाई। कैसे? एक तो सब विषय है और आत्मा विषयी है, दूसरे सब अनित्य है, परिवर्तनशील है, विकारी है, जड़ है, दृश्य है, सापेक्ष है, और मैं जो है वो निर्विकार है, चैतन्य है, एक रस है, नित्य है, और ज्ञान होने पर भी निवर्त्य नहीं है, बाध्य नहीं है। ज्ञान होने पर अगर मैं बाधित हो जाए तो ज्ञान किस में रहेगा? ज्ञान है ये कैसे मालूम पड़ेगा? उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। ये दो विभाग हुआ। तीसरा विभाग ये हुआ कि जो परिवर्तनशील है, अनित्य है, जड़ है, दृश्य है, विकारी है, ज्ञान निवर्त्य है, वो मिथ्या है, और जो इसका दृष्टा, साक्षी, स्वयं प्रकाश है, देश काल वस्तु सब का साक्षी, वो एक है, वो निर्विकार है, वो चैतन्य है, नारायण, वो सत्य है। ये तीसरा विभाग हुआ। अब चौथा विभाग हुआ कि ये आत्मी अखंड सत्य है, ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा इसी का निरूपण होता है। तो वेदांत किस प्रकार चलता है? बोले भाई देखो, पहली बात वेदांत में ये है कि छोटी छोटी बातों की जो पकड़ है तो छोड़ो। छोटी छोटी बातों की क्या पकड़ है ना, तो किसी ने आंख टेढ़ी की और तुम लड़ने को तैयार हो गए, ये छोटी बात हुई कि नहीं? किसी ने जरा व्यंग बोल दिया और सहन नहीं हुआ और बौखला गए, तो ये छोटे तो कितनी छोटी बात है। अरे बिल्कुल, फिर देर गंभीर रहो, समुद्र की तरह गंभीर। बोले महाराज ये क्या आप कहां कर रहे अद्वितीय अखंड तत्व की बात और कहां लाके पटक दिया? बिल्कुल शरीर के नहीं, सोलह आने शरीर में नहीं पटक दिया। आप इस तरह छोटी छोटी बातों में से जो परमाणु परमाणु सृष्टि है उसको भी छोड़ दीजिए, और जो प्रकृति है का वो भी ब्रह्म में परमाणु के बराबर नहीं है, उसको भी छोड़ दीजिए, और माया की उपाधि से जो जीव और ईश्वर का भेद होता है ना, वो भेद भी परमाणु परमाणु के बराबर ही है, उसको भी बिल्कुल।
परिच्छिन्नता, जो चीज परिच्छिन्न होगी तो छोटी होगी, तो परिच्छिन्नता का ग्रहण ही छोड़ दीजिए। नेति नेति के द्वारा परिच्छिन्नता मात्र का निषेध कर देने पर निषेध भी परिच्छिन्न हो जाता है। तो जब निषेध परिच्छिन्न हो जाता है तब उसका निषेध कैसे हो, तो अपने आप को अपरिच्छिन्न, जब महावाक्य बताता है कि तुम अपरिच्छिन्न हो, तो नेति नेति के द्वारा जो उत्थित वृत्ति है ना, वो निषेध रूपा जो वृत्ति है तो वो भी परिच्छिन्न हो जाती है। इसके लिए सिद्धांत में तीन बात बताई गई। तो पहली बात तो परिच्छिन्नता का जो परित्याग है, ये तो बहिरंग है वो, ये बहिरंग है, और अंतरंग क्या है, अपनी अपरिच्छिन्नता का श्रवण, ये अंतरंग है। परिच्छिन्नता का परित्याग बहिरंग है और अपनी अपरिच्छिन्नता का जो श्रवण है वो अंतरंग है। श्रम दम उपरति शिक्षा श्रद्धा समाधान, ये परिच्छिन्न के परित्याग के लिए साधन है, इसलिए ये बहिरंग साधन है। और श्रवण मनन निधि ध्यासन जो है वो अपनी अपरिच्छिन्नता के ग्रहण के लिए है, इसलिए अंतरंग है। अन्य विषयक परित्याग बहिरंग है और स्व विषयक ग्रहण जो है, स्व विषयक ग्रहण ये अंतरंग है। जब देखो अन्य में और स्व में भेद मालूम पड़ता है कि नहीं, देखो आपके शरीर में मैल लगा हो तो साबुन लगा के उसको धो देना, ये बहिरंग हुआ ना बहिरंग। और आपकी जो गोरी चित्ती चमड़ी है उसका चमकने लगना, वो जो चमड़ी की चमक है वो अंतरंग है, और जो मैल लगी थी उसको छुड़ाना बहिरंग है। तो ये जो परिच्छिन्नता की भ्रांति बैठी हुई है, परिच्छिन्नता की वृत्ति जो बैठी हुई है नारायण, इसको नेति नेति के द्वारा इसको भगाना और नेति नेति का रह जाना। बोले नेति नेति बस इतना ही वेदांत है कि नहीं, इतना ही वेदांत नहीं है, ये तो केवल उबटन लगाना है, ये तो केवल शरीर में साबुन लगाना है, जो अपने स्व में अन्य भास रहा है उस अन्य को हटाना है। तब स्व क्या है, बोले महावाक्य जो बताता है तो स्व है। ये नेति नेति तो अवान्तर वाक्य है, ये महावाक्य नहीं है। अपने सिवाय जो परिच्छिन्नता भासती है, देश की, काल की और वस्तु की, माया की, प्रकृति की, परमाणु की, जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की, जितनी भी परिच्छिन्नता भासती है, नेति नेति के द्वारा उसको निषेध करना, और नारायण उसके बाद महावाक्य श्रवण के द्वारा श्रुत मात्र से, श्रुत उपपत्ति अंतरिक्षेया, वेदांत कहता है कि उसके बाद श्रवण करो कि तुम देह, तुम अपरिच्छिन्न हो, अखंड हो, तुम ब्रह्म हो। सार वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के बाद भी सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहते, ये क्या हुआ। बोले ठीक है जी, मेरे सिवाय तो कुछ नहीं है, पर मैं ही सब हूँ। अब लो तो मैं ही धरती हूँ, तो मैं ही समुद्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही आकाश हूँ, जो कुछ भासता है, स्त्री पुरुष पशु पक्षी मैं सब। बोले अच्छा तुम कितने रूपों में अकेले, मान बोले कैसे हो तुम, तो जैसे सोना में अनेक शक्लें बन जाती हैं वैसे मुझ में ये अनेक शक्लें बनी हुई हैं, जैसे मिट्टी में अनेक शक्लें बनती हैं वैसे सब मुझ में बनी हुई हैं, जैसे नारायण लोहे में अनेक औजार बनते हैं वैसे सब मुझ में बने हुए हैं। क्या नहीं भाई, इसका नाम तो अभी स्वगत भेद हुआ। बोला स्वगत भेद हुआ, ये बनी हुई कुछ नहीं है। जब
जब तक देह के द्वारा देख रहे हैं तब तक ये भास नहीं है, और जब देह के द्वारा देखना छूट जाएगा तब ये नहीं भासेंगे, भासेंगी भी नहीं, प्रतीति भी नहीं होगी। प्रतीति भी देह में मैं करने से ही, इसकी देह में मैं करने से ही इसकी प्रतीति हो रही है। तब मैं सर्व हूँ ये परमार्थ का अनुभव नहीं है। मैं सर्व हूँ ये जीवन मुक्त पुरुष की अन्यता सूचक वाणी है, अन्यता सूचक वाणी है। उपनिषदों में आता है, मैं इंद्र होकर के स्वर्ग का भोग कर रहा हूँ, मैं सूर्य होकर के सारे प्रपंच को प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं मनु होकर के सबको धर्म का ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ब्रह्मा होकर सृष्टि कर रहा हूँ, मैं विष्णु होकर पालन कर रहा हूँ, मैं शिव होकर सबका संहार कर रहा हूँ, और एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव होकर के त्रिविध रूप धारण कर रहा हूँ, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि विष्णु कोटि कोटि शिव मैं हूँ। बोले बस इस भावना का नाम ब्रह्मज्ञान है। बोले नहीं, इस भावना का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं है, है ना। ये जो सर्वात्म भावना है, ये जो सर्वात्म भावना है, ये कर्तृत्व पूर्वक है, इसमें भी कर्ता लगा हुआ है, इसमें भी वृत्ति है, और इसमें भी विषय की अनेकता है, है ना। ये स्त्री भी मैं हूँ, ये पुरुष भी मैं हूँ, ये पशु भी मैं हूँ, ये पक्षी भी मैं हूँ, है ना, ये चीता भी मैं हूँ, ये जुआ भी मैं हूँ, ये मकान भी मैं हूँ, ये क्या है। करो, एक विजातीय भेद होता है, एक सजातीय भेद होता है। देखो, एक पशु है और एक मनुष्य है, ये क्या हुआ, ये विजातीय भेद हो गया, और मनुष्य मनुष्य में ये सजातीय भेद हो गया, और मनुष्य में ये हाथ है, ये पांव है, हैं? ये आंख है, ये नाक है, सब मिला के मैं मनुष्य हूँ ना, तो ये स्वगत भेद हो गया। तो एक ही पेड़ में समझो, है ना, एक पत्थर है एक पेड़ है, तो दोनों में विजातीय भेद है। एक पेड़ है और दूसरा पेड़ है, तो उसमें सजातीय भेद है, और एक ही पेड़ में डाली है और पत्ता है और फल है और फूल है और तना है और जड़ है और रस है और गोद है और कोयला है, ये सब क्या है, ये छिलका है, ये सब स्वगत भेद है। तो हम ब्रह्म है और ये प्रपंच हमारे अंदर स्वगत भेद के रूप में स्थित है, तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। स्वगत भेद सविशेष में पदार्थ में होता है, सगुण पदार्थ में स्वगत भेद होता है, जिसमें तारतम्य होता है उसमें स्वगत भेद होता है, अद्वितीय अखंड अनंत अनामय तत्व में स्वगत भेद भी नहीं होता। तो स्वगत भेद का भी निषेध कर दो, विजातीय भेद का निषेध करो, माने चैतन्य के सिवाय जड़ नहीं है, प्रपंच नाम की वस्तु नहीं है, ये क्या निषेध हुआ, ये अपने चैतन्य से विजातीय जो जड़ता है उसका निषेध हुआ, और मुझसे भिन्न कोई दूसरा जीव है या मुझसे भिन्न कोई दूसरा ईश्वर है, ये सजातीय चैतन्य का निषेध हुआ, और मैं चैतन्य ही सारी सृष्टि के रूप में बना हुआ हूँ, ये स्वगत भेद हुआ। स्वगत भेद का भी निषेध कर दो। अब वेदांत क्या कहता है, क्या वेदांत का कहना ये है कि तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ भासते हुए भी, देह भासते हुए, इंद्रिय भासते हुए, अंतःकरण भासते हुए, है ना, आंख से देखते हुए, मुंह से बोलते हुए, कान से सुनते हुए, जक्षत ब्रीडन रममाना त्रिविर्वा यानिर्वा वैश्यर्वा लोप जन्म स्मरण निदम शरीरम, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, जीभ से खा रहे हैं, बोल रहे हैं, पांव से चल रहे हैं, लेकिन ये सब अपने अखंड अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप में केवल भान मात्र है, और ये भान मात्र भी कब तक है, जावन न भी मोक्ष है अत संपत्ति, जब तक ये शरीर जो है
है ना, ये लिंगोपाधि, ये लिंगोपाधि भंग हो करके गिर नहीं जाते। इसलिए ये जो प्रतीति है ये भी देह समकाल ही है, देह समकाल ही है, और अज्ञानी के शरीर जो है वो दो ढंग से होते हैं। दो ढंग से क्या, अज्ञानी का स्थूल शरीर सूख जाएगा तो उसका सूक्ष्म शरीर रहेगा, और वासना के अनुसार पुनर्जन्म में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा और नरक में जाएगा। परंतु ज्ञानी पुरुष के दो शरीर नहीं होते, उसके स्थूल में ही सूक्ष्म, सूक्ष्म में ही कारण, अर्थात स्थूल शरीरावधि उसका व्यक्तित्व होता है। उसका जो व्यक्तित्व है वो स्थूल शरीर पर्यंत ही है, उसका स्थूल शरीर गया तो व्यक्तित्व गया, और व्यक्तित्व गया तो न फिर भान ही नहीं है, फिर प्रपंच का वो भान स्वरूप तो है परंतु भान का विषय नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप तो है परंतु ब्रह्म में प्रपंच का अध्यास अथवा प्रपंच का भान नहीं है। तो इस प्रकार ये जो अद्वैत वेदांत है इसका होता है श्रवण। अब इसमें जो भी संशय उठे है ना, उसको निवारण करने के लिए उपपत्ति होती है, उसको उपपादन बोलते हैं, उपपादन। तो श्रवण से पहले तो श्रवण में ही निर्विवाद हो जाना चाहिए, प्रमाण विशेष जो संदेह है वो सब का सब निवृत्त होना चाहिए। तो आजकल वेदांतियों में होता क्या है कि वो सिद्धांत में आत्मा ब्रह्म है ये बात तो जान लेते हैं, लेकिन ये बात उनके ध्यान में नहीं आती है कि ये बात आखिर किस प्रमाण से जानी गई, क्योंकि प्रमाण प्रमेय की जो गति है वो बहुत थोड़ी है। आंख थोड़ा सा देखती है, कान थोड़ा सा सुनता है, नाक थोड़ा सा सूंघती है, जीभ थोड़ा सा स्वाद लेती है, त्वचा थोड़ा सा ग्रहण करती है। ये अनंत ब्रह्म के बारे में तो ये हमारा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये होता ही नहीं है, ब्रह्म के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अच्छा, ब्रह्म के बारे में उपमान या अनुमान प्रमाण हो गए तो उपमान और अनुमान भी नहीं होगा, अच्छा अनुपलब्धि हो गए, अर्थापत्ति हो गए तो अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण भी नहीं होता है। ब्रह्म कोई इतिहास की वस्तु नहीं है कि इतिहास प्रमाण हो गए, और ब्रह्म कोई संभावित कल्पना मात्र नहीं है कि पुराण उसमें प्रमाण हो गए, और ब्रह्म कोई नाट्य की वस्तु नहीं है कि रंगमंच पर इशारा करके उसको बताया जाए। तो ब्रह्म को बताने के लिए क्या प्रमाण होता है, एक तो वेदांतियों में प्राय ये बात देखने में आती है कि प्रमाण की परीक्षा न होने के कारण वो विचार सागर तो पढ़ लेंगे और वो पंचदशी तो पढ़ लेंगे, लेकिन विचार सागर पंचदशी में प्रक्रिया तो है, प्रमाण का निरूपण तो है ही नहीं है। प्रमाण का निरूपण ये है कि पहले प्रत्यक्षादि समग्र प्रमाणों का खंडन किया जाए, पहले उनको जाना जाए कि क्या होते हैं, और फिर उनका खंडन किया जाए कि ये ब्रह्म के बारे में नहीं होते हैं। तो पहले उन प्रमाणों के स्वरूप प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा आदि जितने भी प्रमाण हैं, उन प्रमाणों को पहले जान करके ये निश्चय करो कि ये प्रमाण जो हैं ये अद्वितीय ब्रह्म तत्व के संबंध में नहीं है। प्रमाणों का भी नेति नेति के द्वारा निषेध हो जाना चाहिए। अब प्रमाणांतर से अज्ञात और प्रमाणांतर से अबाधित तत्व का निरूपण करने के लिए वेदांत उपस्थित होता है। तो समग्र वेदांतों का तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता में है, इसमें कोई संशय हो तो उपक्रम और उपसंहार की एकता, उपक्रम अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, है ना, इनके द्वारा ये निर्णय करना पड़ता है कि संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य आत्मा को ब्रह्म बताने में है। तो सारे वेदांत से ये बात निकली कि तत्त्वमसि तुम ब्रह्म हो,
अब वेदांत के सिवाय और कोई प्रमाण आत्मा और ब्रह्म की एकता में नहीं होता, न कोई दुखती होती, न चुटकुला होता, न कहानी होती है। और ये जो हंसाने के लिए क्या बोलते हैं, जोक है ना, जोक से आत्मा की ब्रह्मता सिद्ध नहीं होती, ये चुटकुले कहानी से सिद्ध नहीं होता है ना, ये बड़े बड़े कही कहनी उपखान कहानी और उपाख्यान से आत्मा की ब्रह्मता सिद्ध नहीं होती। कहने का अभिप्राय ये कि प्रमाण और प्रमेय के व्यवहार का निषेध कर देने पर जो साक्षी बच रहता है वो क्या है, इसको वेदांत ने कहा कि ब्रह्म है। और अब तुम काटो कैसे काटते हो, क्योंकि जहाँ देश नहीं, जहाँ काल नहीं, जहाँ वस्तु नहीं, जो सबका साक्षी है उसको तुम ब्रह्म से कम सिद्ध करने के लिए कौन सी युक्ति दोगे। तो ब्रह्म से कम सिद्ध करने के लिए कोई भी युक्ति नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण का यदि विषय होता तो प्रमाण से उसका परिच्छिन्नत्व सिद्ध भी होता। किसी भी प्रमाण से उसका परिच्छिन्नत्व सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए श्रुति ने जो उसको अपरिच्छिन्न बताया वो बिल्कुल ठीक। अब उसमें यदि संशय होए है ना, तो युक्ति के द्वारा श्रुति अर्थ का निर्णय करते हैं। और सुना भी कि मैं ब्रह्म हूँ, और युक्ति से निश्चय भी किया कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन फिर भी स्थिति कहते हैं स्थिति नहीं होती है। असल में वेदांत में और स्थिति की इच्छा जो है यही भ्रांति का भ्रांति की रीढ़ है। भ्रांति का तब जब तक मनुष्य के मन में ये आता है कि हमारे इस व्यक्तिगत चित्त को किसी न किसी विशेष स्थिति में होने पर तब हम ब्रह्म होंगे, तो वो अंतःकरण के साथ जो तादात्म्य है उसको काट नहीं रहा है, ग्रंथि भेद नहीं कर रहा है, वो तो अंतःकरण की अमुक स्थिति को अपनी स्थिति समझ रहा है, इसलिए अंतःकरण के साथ उसने अपने आप को जोड़ दिया है। तो अंतरिक्षा, इसको बोलते हैं अंतरिक्षा, अंतर इच्छा, एक श्रुति, एक उपपत्ति और एक प्रमाणगत संशय को दूर करने के लिए, प्रमेयगत संशय को दूर करने के लिए नारायण है, और प्रमाता के अस्तित्व में तो कोई संदेह नहीं है, परंतु ये ब्रह्म ही है कि जीव है ना, तो प्रमाता की भी ठीक ठीक परीक्षण करने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए नारायण क्या करना, तो पहले श्रवण, फिर संशय निवृत्ति के लिए मनन, यदि संशय हो तो, और यदि विपर्जय हो, स्थिति की इच्छा बनी रहे, माने अंतःकरण के साथ जो तादात्म्य है ये न कटे, तो अंतरिक्षा, देखो उस अंतःकरण को, जिस अंतःकरण में तुम स्थिति चाहते हो, अरे वो अंतःकरण तो बिल्कुल माया है, वो अंतःकरण जिसमें तुम एक वृत्ति बनाए रखना चाहते हो वो तो बिल्कुल प्रतीति मात्र है, वो अंतःकरण ही मिथ्या है, वो स्थिति ही मिथ्या है जिसको तुम चाहते हो, जिस स्थिति को तुम कल्पना करके चाह रहे हो वो स्थिति इस काल में नहीं है, अगले काल में है तो काल परिच्छिन्न है, इस देश में नहीं है, दूसरे देश में है तो देश परिच्छिन्न है, वो इस आकार में नहीं है, दूसरे आकार में है तो वो वस्तु परिच्छिन्न है, ऐसी स्थिति को तुम क्यों चाहते हो, जो स्थिति इस समय नहीं है, अभी नहीं है, यहाँ नहीं है, यही नहीं है, ऐसी स्थिति को तुम क्यों चाहते हो, इसलिए चाहते हो कि उसको तुम अपने से अलग समझते हो और उससे अपने को अलग समझते हो, ये भेद की जो दृष्टि है वो अत्यंत गढ़ जाने के कारण ही वो चाही जाती है। इसलिए नारायण एक वेदांत के बारे में ठीक ठीक मनुष्य का आइडिया बने, उसका ख्याल बने ठीक ठीक, इसलिए नहीं कि आप सब लोग नारायण कर्मानुष्ठान छोड़ दें और उपासना छोड़ दें और योगाभ्यास छोड़ दें और अपनी साधना छोड़ दें, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं,
जो रास्ते के सराय को ही जो गंतव्य समझ बैठते हैं, है ना, उनकी उस भ्रांति को छुड़ा करके वो सचमुच की जनक ग्रंथि के भेदन में प्रयत्नशील होंगे। तो इसके लिए वेदांत का क्या दृष्टिकोण है ये आपको सुनाते हैं। ओम।